प्रदेश में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी अब जनता की शिकायतों को न सुनकर भाजपा नेताओं के गुलाम हो गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। जिला प्रशासन सीधी की ओर से पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल के द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। सिहावल विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में अनेकों बार लिखित एवं मौखिक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था, किंतु अभी तक जन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। सिहावल विधानसभा क्षेत्र सहित सीधी सिंगरौली जिले में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके निराकरण के लिए जिले को शीघ्र सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के साथ किसानों को मुआवजा, स्थानीय स्तर पर राहत कार्य आरंभ किए जाएं, जिससे ग्रामीणों का पलायन ना हो। साथ ही राजस्व वसूली तथा अन्य वस्तुओं पर रोक भी लगाई जाए। महंगाई और बेरोजगारी से आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शासन की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं धरने पर बैठे विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा है। बहरी तहसील, सिहावल तहसील, जमकर तहसील में सबसे कम बारिश हुई और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और हमने मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले पत्र लिखा था, कलेक्टर से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये आज का आंदोलन की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ा है। बहरी तहसील में भारी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार के द्वारा खुल्लम खुल्ला लूट खसोट जारी है। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की बजाय संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। बहरी तहसीलदार को तत्काल हटाया जाए। अघोषित बिजली कटौती जो चल रही है, ट्रांसफार्मर जो जले हुए, तार टूटा हुआ है, केबल जली हुई है, खंभा टूटा हुआ है, मेंटेनेंस का काम बराबर नहीं हो रहा है, ये सारे काम जब तक नहीं होते हैं, विषय बहुत सारे हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेके हमने कलेक्टर साहब को पहले भी हमने मेल के थ्रू जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि इन विषयों को लेके आंदोलन हम करने जा रहे हैं, पर जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी हम यहाँ खंजनी बजाने के लिए तो नहीं बैठे हैं।